दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 और चैप्टर वाइज देखा जाए तो हमारा ये चैप्टर 3 है। इस चैप्टर का नाम हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री है। तो चलिए आइए देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते ही हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन। तो चलिए आइए डिफाइन देखते हैं। डिफाइन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव इधर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसने क्या बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जो हमारा डेरिवेटिव कंटेन करता है या और डेरिवेटिव के साथ हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कंटेन करता है, या फिर हम उसे पार्शियल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अब इसने पहले ही बोल दिया कि और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन क्या होता है, जैसे हमारा x इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया, तो x इज इक्वल टू इसमें क्या है ना, एक दो साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। इसने क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा चीज जिसका दो साइड हो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड है, जैसे x इज इक्वल टू 2। और इसको अगर मैक्स के हिसाब से देखे जाए तो हमारे पास दो साइड के साथ यहाँ पे एक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया है जो इज इक्वल टू करके असाइन करके 2 बताया गया। फिर इसके बाद से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है किसका, इक्वेशन का, जिसके यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड है और 2 हमारे कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में है। पर ये हमारा थोड़ा सा चेंज है पहला से, इसमें हमारा एक ही वेरिएबल था, इसमें हमारा 2 वेरिएबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ उसके बाद से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है, तो ये होता है देखिए ऐसा, x प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 2, जहां पे dy बाय dx दिख गया हो क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ हमारे सेकंड वाला देखिए, x प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमारा कोई सिंपल सा डेरिवेटिव नहीं है, ये क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव तो है पर क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। नाउ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को और भी एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy बाय dx आ गया तो भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, मतलब पहला वाला भी वही है, और dx स्क्वायर y और dx स्क्वायर आ गया तो भी वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ना पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें dy बाय dx के नीचे टर्म में dy मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे बढ़ के। अब एग्जांपल्स ऑफ क्या है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल एग्जांपल के एग्जांपल वही है जिसमें dy बाय dx आए, चाहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस dy बाय dx उसमें मौजूद हो कैसे भी। तो x प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये देख लीजिए इसमें क्या है, 4 प्लस dy बाय dx इंटू dy डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू e पावर माइनस x माइनस y, ये हमारा तीसरा एग्जांपल है। ये हमारा एक तरफ से देखा जाए तो पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ आते हैं देखते हैं इन सबको सॉल्व करने का कितने मेथड है। तो हमारे पास टोटल 7 मेथड है इन सबको सॉल्व करने के, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। तो पहला हमारा क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल दिया गया उसको सेपरेट करके हमें इंटीग्रेशन लेके इसको सॉल्व करना होगा। फिर अपना इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इन एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू वाई, फिर इसके बाद से इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इन एक्स बिलोंग्स एक्स एंड वाई, फिर उसके बाद से ये जो हमने किया मतलब तीसरा देख रहे हैं वो हमारा 5 मार्क इसमें फिट नहीं होता, ये उससे बहुत ज़्यादा भारी प्रोसेस होता है, मतलब छोटा प्रोसेस नहीं है। फिर उसके बाद से चौथा हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और पांचवा हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, छठा हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन, और सातवां क्या है, बेनोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन, DE का मतलब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ हम अपने पहले एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। पहला क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके पहले मैंने यहाँ पर लिखा गया है कि क्वेश्चन देख के हमें समझना होगा कि हमें इन 7 टाइप में से हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा, वहाँ मेंशन किया हुआ नहीं होगा कि आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जाना है कि होमोजीनियस जाना है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन करते करते लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे उसे आइडेंटिफाई करना है।
नहीं तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। ना हमारा पहला सम क्या दिया है, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू जीरो। तो ये हमारे इसको सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि हमें पहले बताना होगा कि ना हमारे पास क्या इक्वेशन दिया है, क्योंकि हम एग्जाम में क्वेश्चन उठा के तो नहीं लिखेंगे। अब जो लिखते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, और जो नहीं लिखते वो लोग डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू जीरो। चलिए आइए आगे देखते हैं। फिर ऐसे करने के बाद से हमें ना x को ना dx के साथ रखना है और y को dy के साथ रखना है, ताकि हम इंटीग्रेशन रख सकें, मतलब ले सकें। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे dx डिवाइड करेंगे या क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए ऐसे होगा y इंटू dx इज इक्व टू x इंटू dy। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई करे तो उस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इससे हो जाएगा 1 अपॉन x। और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करे तो उस साइड इसको भेजेंगे तो 1 अपॉन y। अब क्या हो गया, x के साथ dx वाला और y के साथ dy वाला, ये दोनों हो गए। तो इसके बाद से हमेशा हमें क्या करना है ना, कि जो y वाला टर्म है ना उसको हमेशा LHS में रखना है। यहाँ पे तो मैं राइट हैंड साइड में, अब ये इसको वैसे ही मतलब इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख, इसको यहां लिख देना है, क्योंकि हम अगर इस साइड खड़े हैं और इस साइड मुड़ गए तो भी हमारा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ये वन डैश है तो यहाँ पे वन डैश हो जाएगा और यहाँ पे वन हो जाएगा, खाली हमारा डायरेक्शन मोड़ देना है देखने का। फिर इसके बाद जैसे ही ऐसे में आ जाएगा, आप अरेंज कर लेंगे 1 अपॉन वाई इंटू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद से हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। जब भी हम ऐसे लेंगे तो हमारा एक बात आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स सॉरी लॉग ऑफ एक्स नहीं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स का हमारा क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन उल्टा है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास ये वैल्यू होता है, हमें इससे ये आना होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आया, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग लेंगे तो हमारा क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स आएगा। जो रिस्पेक्ट में रहेगा उसके हिसाब से लेना है। अगर यहाँ पे वाई होता तो वहाँ पे लॉग ऑफ वाई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे डी वाई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सेम सेम है, यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे डी वाई है तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। तो हमारा वाई एक्स है तो यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स आ गया, प्लस सी लिखना है। लेकिन यहाँ पे आप सोचेंगे लॉग ऑफ सी क्यों लिया, लॉग ऑफ सी कब लेना है, जब सारा टर्म लॉग में आए। तो देखिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लॉग ऑफ वाई ले लिया। तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, इसके मदद से। फिर इसके बाद से यहाँ पे लॉग लॉग कॉमन लेना। अब लॉग वाले टर्म में क्या होता है ना, जब भी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना, तो इसमें से लॉग वाला टर्म कॉमन ले लेते हैं। ठीक वैसे जैसे इंडाइसेस में ए इंटू ए में क्या होता है, जैसे ए पावर फाइव ए पावर फोर है, तो यहाँ पे पावर में क्या होता है, प्लस होता है, तो ए फाइव प्लस फोर ऐसे हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे इंटू ले लेना है लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो हमारा क्या होगा, लॉग ए इंटू बी। अब ऐसे ही ना यहाँ पे x और c है तो log x इंटू सी, लॉग लॉग सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इंटू सी। अब ये क्या है, हमारा इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी हमारा इक्वेशन दिया उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। नाउ आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में भी सेम दोस्तों ऐसी करना है, पहले तो हमें को इसको सेपरेट करना है। इसका नाम ही क्या है, तो देख लीजिए इसका नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल दिया है उसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। अब हम लोग को इसमें से कुछ सेम दिख रहा हो तो वाई वाई सेम दिख रहा है, तो हमें इसे कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, जो क्वेश्चन था एज इट इज उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला, वाई कॉमन निकाल दिया, अगर ये वाई हट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा और बाहर इंटू करके वाई। फिर उसके बाद से मैंने आपको क्या बोला था, एक्स वाला टर्म डी एक्स के साथ और वाई वाला टर्म डी वाई के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा उस साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो डी एक्स इज इक्व टू वन अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड करे तो उस साइड जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद से हम लोग को जैसे ही ऐसा कल हो जाए वैसे ही हम लोग क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग को इंटीग्रेशन ले लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और ब्रैकेट में फिर इंटू डी एक्स। अब ये डी एक्स दोनों का है, एक्स स्क्वायर का भी और वन का भी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है, वन से लेकर नाइन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जो अगर वन है
तो x के पावर में 1, अगर 2 होता तो यहाँ पे डायरेक्टली 2x हो जाता। इसमें भी x के पावर में 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, एक वैल्यू इंक्रीज हो, यहाँ पे 1 हम शून्य नहीं करते, और यहाँ पे अगर सपोज 100 होगा तो 100x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का, इसे आप नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ k इज dx इज इक्वल टू यहाँ पे k ऑफ x प्लस c। k क्या है हमारा, 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव इसमें क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला है x इज टू n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लेंगे तो इंटू डी एक्स है, तो क्या होता है ना x पावर में एक 1 प्लस हो जाता है, डिवाइड में जो पावर में नंबर है ना वही नीचे आ जाता है, n प्लस 1 प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में अगर इसको डाल के देखेंगे तो क्या होगा, देखिए सिंपली यहाँ पे होगा x पावर 2 फिर उसके बाद से प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यहाँ पे प्लस सी, तो हो जाएगा x पावर 3 डिवाइड बाय 3, मतलब जो है ना उससे एक बढ़ा देना पावर, उसी के वही नंबर को नीचे लिख लेना है, इंटीग्रेशन का ये रूल है एलजेब्रिक फंक्शन के लिए। फिर इसके बाद से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1/y का अगर विद रिस्पेक्ट टू डी वाई देखे तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ y, तो यहाँ पे log ऑफ y ले लिया, और यहाँ पे तो मैंने ब्रैकेट को अलग किया हूँ इसलिए यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करके नहीं दिखाया, डायरेक्टली नीचे दिखाया हूँ ताकि एक इसको एक एक साथ करके देखे, इसको अलग अलग नहीं करना है। अब इसका x स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखें तो x क्यूब डिवाइड बाई 3 और 1 था ये, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली x आया, जिसके आगे 1 मतलब हम दिखाए क्या ना दिखाए वो भी चलेगा, और प्लस c, तो log ऑफ y इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस x प्लस c। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नाउ हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे e के पावर में कुछ वैल्यू आ जाता है, जैसे a रेस टू x में भी आ जाता है, e नहीं खाली a में भी आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल नीचे होता है नंबर ऊपर होता है। dx इज इक्वल टू e पावर x माइनस 3y, इसको भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से ही सॉल्व करना है। पहले तो हमें लिख लेना है सेम एज इट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो हमें लिख लेना है क्या, dy by dx is equals to e power x minus 3y। फिर उसके बाद से हमें क्या करना है ना, इसे सेपरेट करने के लिए ना इसके यहाँ पे इंडाइसेस रूल हम लगाएंगे ताकि हम ये ऊपर के जो पावर से इसको सेपरेट कर सके। ये हमारा माइनस दिया तो हम इसे दो तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई वाले की मदद से और एक डिवाइड वाले की मदद से। डिवाइड वाले में क्या होता है देखो ये बताता हूँ, डिवाइड वाले में होता है अगर e पावर m है और डिवाइड में e पावर n है, तो इसका हमारा सोल्यूशन होगा e m माइनस n। यहाँ पे हमारे नंबर भी वैसे ही आ रहा है, अगर आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी जा सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ पे अगर e पावर 4 है इंटू e पावर 5 अगर इंटू में है तो ये क्या आएगा, e पावर 4 प्लस 5, या फिर आप इसको अगर ऐसे भी कर सकते हैं, e पावर 4 है इंटू e पावर माइनस 5, तो आप इसे e पावर 4 माइनस 5 भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं बुक में ऐसा सॉल्व किया हुआ है, तो पहले मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, दूसरा तरीका मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम इस मेथड से जा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे दोनों को e दे देना है जो भी पावर में, तो e पावर x इंटू e पावर माइनस 3y माइनस सी वाई लिए। फिर उसके बाद से क्या किया ना, यहाँ पे इंटू का दाया वहाँ साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो e पावर माइनस सी वाई इंटू डी वाई, और ये जो dx था इसको इस साइड लेंगे क्योंकि x वाला टर्म एक साइड y वाला टर्म एक साइड आ गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए माइनस 3y है ना, इसको पॉजिटिव बनाए तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो e पावर 3y इंटू डी वाई इज इक्वल टू e पावर x इंटू dx। अब ये दूसरा वाला मेथड डिवाइड वाले मेथड के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा ये डायरेक्ट मिलेगा, देखिए बताता हूँ कैसे। पहले तो क्या होगा e पावर m और e पावर n डिवाइड बाय n, ये हमारा फॉर्मूला है, तो हमारा क्या है ये आगे आके इक्वल टू को होके क्या होगा e पावर m माइनस n, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 3y, तो डायरेक्टली ना यहाँ पे देखिए e पावर x माइनस 3y में रख लेता हूँ। अब इसको m मान के चलिए और इसको n मान के चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद से इसको ऐसे लिख लेंगे तो कैसे होगा e पावर x अप डिवाइड बाय e पावर 3y, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, डायरेक्टली आ जाएगा, फिर क्या आएगा dy इंटू dx। अभी dx यहाँ डिवाइड करा तो उस साइड क्या करेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये e पावर 3y यहाँ पे डिवाइड करा तो उस साइड क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो dy इंटू e पावर 3y
यहाँ पे इक्वल के साइड क्या आएगा, e पावर x इंटू डी एक्स। अब x वाला x साइड हो गया और y वाला x साइड हो गया, सेम देखिए एज इट इज वैसे ही आ गया। ये बस डिवाइड वाले इंडाइसेस का रूल है और हमने ये यहाँ क्या है मल्टीप्लाई वाले इंडाइसेस का रूल है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तब तक लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जो भी दिया है उसमें हम क्या लगाना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन e पावर सी वाई इंटू डी वाई बाय इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, पर यहाँ पे जो पावर मतलब वैल्यू होता है ना वो डिवाइड में, यहाँ वन है तो यहाँ वन आ जाए तो वन हमें नहीं भी शो करेंगे तो ई रेस टू एक्स होगा। सपोज यहाँ पे टू आ जाए तो डिवाइड में यहाँ पे टू आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे e पावर 2 है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो e पावर 2x डिवाइड बाय 2 आएगा। तो यहाँ पे मेरा 3 था तो मेरा डिवाइड बाय 3 आया, और फिर वहाँ पे e रेस टू x का ही खाली डेरिवेटिव लेना था, मतलब इंटीग्रेशन लेना था, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन लेना था, तो उसका डायरेक्टली e रेस टू x आ गया और प्लस 1, और यहाँ पे 1 था इसलिए तो यहाँ पे डिवाइड में जो 1 है उसको मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि हम लोग e रेस टू x भी उसे लिख सकते हैं। और सॉल्व होने के बाद प्लस c, c हमें कहाँ डालना है, खाली जब e रेस टू मतलब x वाले जहाँ टर्म यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमें c डाल देना है, y वाले किधर नहीं डालना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या कीजिए ना, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड कीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद क्या होगा, e पावर 3 y होगा सिर्फ, मतलब ये 3 हट जाएगा, मतलब ये देखिए यहाँ से 3 से इंटू हुआ तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 e पावर x हो जाएगा प्लस 3 c हो जाएगा। फिर इसके बाद से जो अभी मैंने आपको तरीका बताया उसका फॉर्मूला अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ये दो फॉर्मूले e रेस टू x के मतलब एक ही है, बट यहाँ पे 1 था इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 नहीं दिखाया, पर यहाँ पे अगर 2 आ गया जैसे कि यहाँ पे m आ गया तो ये डिवाइड में m आ जाएगा, e पावर mx डिवाइड बाय m प्लस c ऐसे करके आ जाए। नाउ ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक बार इसको आप देख लीजिए ध्यान से और वीडियो पॉज करके आप खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये वाला भी थर्ड वाले के बेस पे ही है। इसके बाद से हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ सम की तरफ, जो क्या है, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सिंपल पहले जैसे ही मेथड है वो आप वही लिख लेना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम। लिखने के बाद से देखिए वही सेम मैंने लिख लिया है। फिर उसके बाद से जो एक्स वाला टर्म है वो एक तरफ और जो y वाला टर्म है एक तरफ वो कर लेना है। पहले तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इसको ना दूसरे साइड भेजना है जो यहाँ पे जीरो है, तो इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बीच में क्या आएगा इक्वल टू है, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू डी वाई, ये आ गया। वैसे यहाँ पे इसको 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 भेजा गया है, देखिए किसी भी एक को भेजिए आपके ऊपर डिपेंड है, बात तो एक ही है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है ना, x वाला टर्म एक साइड और y वाला टर्म एक साइड, तो x पहले तो हम लोग ने इस साइड लिया क्योंकि y हमेशा यहाँ इसमें LHS की तरफ होनी चाहिए, तो y वाला टर्म सेक्स स्क्वायर ऑफ y और यहाँ पे टेन ऑफ y, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर उस साइड क्या करेगा डिवाइड, यहाँ पे टेन ऑफ x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर उस साइड क्या करेगा डिवाइड, तो हो गया सेक्स स्क्वायर ऑफ y डिवाइड बाई टेन ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाई टेन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। फिर सिंपली जब आ गया तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, क्या लेंगे इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन में डायरेक्टली इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, सेक्स स्क्वायर ऑफ y डिवाइड बाय टेन ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइड बाय टेन ऑफ x। अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो उसका डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आप मॉड नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ चलेगा, लेकिन बहुत सारी जगह मॉड की जरूरत होती है जहाँ माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा अगर tan ऑफ y का डेरिवेटिव देखिए तो tan का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर x होता है, मतलब यहाँ पे अगर x आया तो सेक्स स्क्वायर x, यहाँ पे y है इसलिए सेक्स स्क्वायर y, हाँ यहाँ पे है तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है पहले से उसको यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, log mod of tan of y, पर mod मैंने नहीं लगाया, डायरेक्टली ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व किया क्योंकि अभी हमें इस mod की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस log mod of log of tan x।
अब जब सब लॉग में होते हैं ना, तभी ये जो सी वाला टर्म कांस्टेंट निकलता है ना, इसे हमें हमेशा लॉग में लेना है, ताकि हम लॉग लॉग कैंसिल करके आगे हटा सकें। फिर इसके बाद से क्या है, लॉग में यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टेन वाई प्लस लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स, तो क्या होता है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी होगा। फिर इसके ऐसे टेन टेन अंदर ले लेंगे और लॉग लॉग कॉमन ले लेंगे बाय लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग में क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। जब इससे ऐसा बना सकते हैं तो इससे भी ऐसा बना सकते हैं। तो सेम मैंने क्या किया, जब यहाँ पे लॉग ऑफ टेन वाई प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स था, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, लॉग ऑफ टेन एक्स टेन वाई प्लस टेन एक्स, देखिए ऐसा लिखा हूँ मैंने। फिर यहाँ पे लॉग लॉग सेम था, तो लॉग और लॉग कैंसिल कर दिया मैंने। फिर कैंसिल आउट करने के बाद से क्या बचा, टेन ऑफ वाई इंटू टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ की जरूरत है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।